आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच जाड़े में हल्के तेलों की मांग बढ़ने से बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए थे, जबकि दूसरी ओर सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना एवं लूज की कीमतों में गिरावट आई थी। बाजार सूत्रों का कहना है कि सोयाबीन की DOC की मांग कमजोर होने से सोयाबीन दाना और लूज के भाव हानि दर्शाते बंद हुए, जबकि सरसों की अगली फसल आने में पहले सामान्य घटबढ़ के तहत सरसों तेल तिलहनों के भाव हानि के साथ बंद हुए। सूत्रों ने कहा है कि इस साल सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि जब तक आयातित तेल अपने उच्चतम स्तर पर हैं, ऐसे में अधिक उत्पादन होने के बावजूद सरसों को MSP पर कौन बेचेगा। इसलिए सरकार की तरफ से सहकारी संस्था हाफेड और नेफेड को बाजार भाव पर और जरूरत पड़े तो बोनस का भुगतान करते हुए भी सरसों की खरीद कर 20 से 25 लाख टन का स्टॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस साल तेल की जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल खाली है। सूत्रों का कहना है कि मलेशिया में सट्टेबाजी के कारण CPO के दाम में असामान्य रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जबकि जाड़े के मौसम में बाजार में इसके तेल की मांग कम है और ऊंचे भाव पर लिवाल नहीं है। स्थिति यह है कि इसके भाव सोयाबीन जैसे हल्के तेल से भी अधिक हो गए हैं, इसलिए भाव में ही तेजी है, मगर बाजार में इस तेल के लिवाल कम है। CPO का प्रसंस्करण कर तेल बनाने की लागत कहीं ऊंची पड़ती है और इसका भाव हल्के तेल में सोयाबीन से भी अधिक है। निश्चित तौर पर उपभोक्ता सस्ता व हल्का तेल खाने को तरजीह दे रहा है। सूत्रों ने कहा है कि लगभग 8 से 10 महीने पहले CPO का भाव सोयाबीन से लगभग $250 प्रति टन नीचे हुआ करता था, लेकिन मलेशिया में सट्टेबाजी के कारण CPO के दाम 8 से 10 प्रतिशत की तेजी के साथ रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। बाजार में इसके भाव सोयाबीन से भी अधिक हो चले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कृत्रिम तेजी सट्टेबाजी के कारण आई है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि हल्के तेलों में खरीदारी के लिए मूंगफली तेल सबसे सस्ता बैठता है, इस कारण समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया। सूत्रों ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह में शिकागो एक्सचेंज के तेज होने और मलेशिया एक्सचेंज के 8 से 10 प्रतिशत और मजबूत होने से सोयाबीन तेल के भाव में सुधार है। सोयाबीन DOC की मांग कमजोर रहने से समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज के भाव गिरावट दर्शाते बंद हुए। वहीं अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के संदर्भ में भी सरकार को लगातार निगरानी रखनी होगी और शुल्क कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाना सुनिश्चित करना होगा, ऐसा सूत्रों का मानना है। इसकी सख्त निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य MRP का नाजायज फायदा बड़ी दुकानें, बड़े मॉल और परचून विक्रेता उठाते हैं। खुदरा व्यापारी कंपनियों से ज्यादा MRP का माल मांगते हैं, जो उपभोक्ताओं का जेब काटने के मकसद से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान, आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।